सो हेलो एवरीबडी, वेलकम टू द वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आई होप बहुत अच्छे होंगे सबके सब। बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मैं देख रहा था यहाँ पर आप लोग। तो फाइनली इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म हुई हैं, बट बच्चे अभी भी बहुत कम है यहाँ पर। यार मेरे आने से पहले मैं देखता हूँ दुनिया भर की बातें बच्चे कर देते हैं, ये हो गया वो हो गया, सर इसलिए नहीं आए। मतलब हद होती है किसी चीज़ की, थोड़ा सा कंट्रोल करा करो अपने ऊपर यार। तो फाइनली जय हिंद जय भारत सभी को जो यहाँ पर उपस्थित है, और जो रास्ते में है वो आ रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से ये विश करना चाहूँगा मैं। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं रिप्लाई करिए, कमेंट करिए यहाँ पर, सो दैट आई विल कम टू नो अबाउट योर कंडीशन। सो जी हाँ, आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। वाईफाई स्टडी हमारा परिवार जो है वो 4 मिलियन का हो चुका है। आज आप लोगों ने देखा यहाँ पर 12 बजे सेलिब्रेट हुआ था हमारा ये, एंड आई होप आप भी बहुत खुश होंगे, हम भी बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेकर। तो मैं कहीं गायब नहीं था, थोड़ा सा हो जाता है यार, सेलिब्रेशन चल रहा है तो 5 मिनट तो वेट करना पड़ता है तुम्हारा भी, ठीक है। बिल्कुल फ्यूल, क्या कह रहे हो समझ नहीं आ रहा यार। हाँ सर जी, नाइस टू सी यू, थैंक यू। जय हिंद सभी को, बहुत दिन बाद देखा आपको, अच्छा लग रहा है सर जी। अरे कहाँ बहुत दिन बाद यार, लास्ट हफ्ते तो दिखा हूँ, संडे के दिन क्वेश्चन नहीं करे थे हम लोगों ने सर्वे के, कहाँ बहुत दिन हुए हैं। खैर विद्या है सर, आप कैसे हो? अच्छा बढ़िया है, मैं एकदम मस्त हूँ, आप लोगों के आगे खड़ा हूँ, देख सकते हैं कैसा हूँ। और आज मेरे को पता है ये दाढ़ी को लेकर बहुत बच्चे कमेंट करने वाले हैं, बहुत लोग कर भी रहे हैं तो फिलहाल थैंक यू जिन्होंने भी दाढ़ी को लेकर कमेंट करा है। सर आप क्यों नहीं थे? यार मैं एक्चुअली मैं आया नहीं था उस टाइम तक, इसलिए मैं नहीं था पार्टी के अंदर। कोई बात नहीं, पार्टी मन से होती है, खुशी मन के अंदर होती है, अपने मन में तो बहुत खुशी है, एंड आई होप आपके मन में भी होगी। तो चले, मैं एकदम मस्त हूँ। बच्चे नहीं आते हैं यार टाइम पर, यहाँ पर मैं देखता हूँ बच्चे टाइम पर नहीं आते हैं, टाइम बहुत वेस्ट होता है हम लोगों का। तो क्लास को डेली करो सर, क्लास को डेली कर दिया जाएगा, रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, आप लोगों का रिस्पॉन्स अगर ऐसा ही आता रहेगा तो क्लास डेली भी हो जाएगी। तो मैं आज आप लोगों को कहना चाहूंगा, आप लोगों ने गेट का फॉर्म भरा कि नहीं भरा? बिकॉज एक दिन एक्सटेंड हो गया है गेट का दिन। अगर आप आज के बाद भरते हो 1 अक्टूबर से पहले पहले, तो आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो उस 500 रुपए की बचत करते हुए गेट का फॉर्म आप लोग भर दो, मैं यही एडवाइस करना चाहूंगा। जो फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हैं या फिर जो पास आउट है, वो गेट का फॉर्म भर दीजिए। कुछ आता है या नहीं आता वो बाद की बात होती है, लेकिन एक बारी दिलेरी दिखा दीजिए, एक बारी हिम्मत बांध लीजिए अपनी कि गेट का फॉर्म भरना है और कुछ करना है। तो गेट का फॉर्म भर दो, कोई मुश्किल नहीं है। मैं भी अपने टाइम में ऐसे ही था, कुछ पता नहीं था गेट के बारे में, बट फॉर्म भरने के बाद मुझे मिले 3.5 से 4 महीने तक प्रिपरेशन के लिए, फिर जुट गया। मेरी अगर एडवाइस चाहो, मेरे अकॉर्डिंग आप लोग चलोगे तो मेरे लिए तो सफिशियंट है गेट की तैयारी करने के लिए 4 महीने। 4 महीने में बेझिझक तैयारी करूंगा और मस्त तैयारी हो सकती है गेट की। तो फॉर्म भर दो आप लोग, एडवाइस यही करूंगा आप लोगों को। और बच्चे कम आते हैं यार, अभी तक 300 हुए हैं बच्चे, कम से कम 450-450 हुए तो हम कंटिन्यू क्लास को करें। डाउट भेज रखे हैं, अभी तक रिप्लाई नहीं आया, जल्दी आएगा। सर महाराष्ट्र गवर्नमेंट अंडर जिला परिषद, यार इतना बड़ा कमेंट मत लिखा करो यार, पढ़ने में ऊपर ही चले जाता है कमेंट, बहुत सारे कमेंट आते हैं, थोड़ा थोड़ा करके कमेंट लिखा करो आप लोग, ठीक है। सर डिप्लोमा क्लियर करके गेट एग्जाम दे सकते हो क्या? नहीं यार, गेट डिप्लोमा वाले नहीं दे सकते, गेट डिग्री वाले ही देगा। डिप्लोमा वाले एसएससी जेई का करो ना, क्या दिक्कत है? एसएससी जेई भी अच्छा है, एसएससी जेई में टॉप रैंकर्स आओ, एमईएस में जाओ मस्त, एमईएस इज द वन ऑफ द बेस्ट जॉब इन आवर कंट्री, अच्छा है। अगर आप एसएससी भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं था। मेरा कितना रैंक था गेट के अंदर, क्या करोगे यार, मेरा रैंक जानकर आप लोग समझ नहीं आता। बस इतना समझ लेना मैं नहीं बताता अपना रैंक बार बार ही, जिसको पूछना है जिसको देखना है, जो सबसे पहले वाला वीडियो आया था ना इंट्रोडक्शन, उसमें बताया था, बार बार ही नहीं गाना चाहता मैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये फालतू की बातें लगती हैं। बस इतना जान लो कि क्वालिफाई था, ठीक है। और रैंक अगर जाननी है तो वो लेक्चर देख लेना, वहां पर सब पता लग जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या कर रखा है मैंने, सब पता लग जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मत पूछो ये सब ना, मेरे को बेकार की बातें लगती हैं। मैं बस इतना जानता हूं कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है ना, तो मैं आप लोगों के लिए ऑफिसर, और अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों के लिए स्टूडेंट से भी बदतर हूं, ये बात फैक्ट होती है, ठीक है। तो रैंक वैंक का क्या करोगे आप लोग जानकर,
कुछ नहीं है, रैंक वैंक अगर जानना है तो पिछले लेक्चर देख लेना, पता लग जाएगा रैंक का आप लोगों को। पीएसयू सही रहेगा, सही नहीं बहुत बढ़िया रहेगा, खाली सही नहीं बहुत बढ़िया रहेगा पीएसयू में अगर आपका हो जाता है। पीएसयू मेरे लिए तो बेस्ट है, ठीक है। सर क्या पढ़ाओगे आज आप? चलिए बताते हैं, बात आती है, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर डबली रीइंफोर्स बीम के बारे में बता दिया था, बीम नहीं सेक्शन के बारे में बता दिया था। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द डबली रीइंफोर्स सेक्शन, क्यों ये सेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, क्यों ये सेक्शन दिया जाता है, कहां पर ये सेक्शन दिया जाता है, व्हाट आर द कंडीशंस दैट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द डबली रीइंफोर्स सेक्शन, क्या होता है, कैसे सॉल्व करा जाता है और कैसे उसकी एनालिसिस करी जाती है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर बता दी थी। एंड आई होप आपको ये डबली रीइंफोर्स सेक्शन अच्छे से समझ आया होगा और बेहतरीन तरीके से पढ़ा भी होगा। तो कंफर्मेशन के लिए अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी दूंगा इससे रिलेटेड। फिलहाल मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा अब मैं क्या कराऊंगा। देखिए अब आप लोगों को कराया जाएगा फ्लेंज बीम, फ्लेंज सेक्शन कह सकते हैं उसको आप। फ्लेंज सेक्शन क्या होता है, इससे कैसे रिलेट करा जाता है, कहां यूज होता है, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद असली इंजीनियरिंग पर आऊंगा, आज से आप लोगों को स्टार्ट करा दूंगा इंजीनियरिंग। अभी तक तो मैंने बच्चा कराया था, मतलब बच्चा बोले तो कि उसका सहारा ले लेके मैं पहाड़ पर चढ़ा था और उस पहाड़ पर मेरे को बिल्डिंग बनानी है, तो पहाड़ पर तो चढ़ गया ये करने के बाद, एक सीढ़ी रहती है कर लूंगा आज। उसके बाद बिल्डिंग बनाने में जो जो काम लगता है, असली इंजीनियरिंग जो होती है वो शुरू करा दूंगा डिजाइनिंग से। पहले मैं आप लोगों को कराऊंगा डिजाइनिंग ऑफ बीम्स, फिर मैं कराऊंगा स्लैब, फिर मैं कराऊंगा कंप्रेशन मेंबर्स बोले तो कॉलम्स। ये तीन मेन चीजें हैं, यहां से मुझे अपना बीम मतलब बिल्डिंग डिजाइन कर सकता हूं आराम से, तो इतना मेरे को पता है। इसको करने के बाद असली इंजीनियरिंग स्किल्स पर आ जाने वाला हूं, तो बेसब्री से इंतजार करते रहिएगा, बने रहिएगा, जाना नहीं है, संयम रखना है जीवन के अंदर, जिसको थोड़ा सा पेशेंस है याद रखना है, सब्र का फल ही मीठा होता है, तो मिठास के लिए थोड़ा सा तो बना रहना पड़ेगा। फ्लेन सेक्शन बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को देना चाहूंगा यहां पर राजेश ताहजी कह रहे हैं मेरा पुराना वीडियो देखने जा रहे हैं ये। मैं राजेश ताहजी को एक एडवाइस देना चाहूंगा, यहां पर पुराना देखने से अच्छा है हमारे माहौल में रमिए, थोड़ा सा लाइव बनिए। यहां पर पुराना तो आप रात को भी देख सकते हैं सोते हुए, तो लाइव में थोड़ा आने से ज्यादा इफेक्ट लगता है मुझे, आप लोग मेरी मानो तो लाइव आया करो, लाइव में ज्यादा इफेक्ट होता है। तो राजेश जी को एडवाइस देना चाहूंगा ना जाए, लाइव बने ज्यादा इफेक्ट लगेगा आप लोगों को यहां पर। तो फिलहाल जेंटलमैन एक चीज पूछना चाहूंगा आप लोगों को, क्या डबली रीइंफोर्स सेक्शन जो है वो अच्छे से समझ आया कि नहीं आया, थम्स अप करके बताइए, सो दैट आई विल बी एबल टू नो अबाउट द कंसेप्ट क्लियरेशन वेदर इट इज क्लियर और नॉट। तो मेरे को जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिए कि समझ आया कि नहीं आया। अगर समझ नहीं आया तो थोड़ा सा इलेबोरेट करने की सोचेंगे, अगर समझ आ गया तो बिना टाइम वेस्ट करें न्यूमेरिकल करके फ्लेंज बीम की तरफ बढ़ते हैं, फिर अपने को डिजाइनिंग भी तो पढ़नी है। डिजाइनिंग के लिए बच्चे बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि असली जिंदगी में ये काम आती है, तो इंजीनियरिंग डेवलप कराने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ द टाइम जल्दी बढ़ेंगे आगे, मेरे को एक बार फीडबैक दीजिए समझ आया कि नहीं आया थम्स अप करके। सो हेल जी को समझ नहीं आया है और बच्चों का यहाँ पर काफ़ी सारे, सर गेट की पूरा कवर अप करवाओ सर, आज गेट वालों के लिए खुशखबरी लाया हूँ मैं बहुत ज़्यादा, आज गेट वालों के लिए खुशखबरी लाया हूँ। यूपी जेई की प्रिपरेशन हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, पूरी इंडिया में कोई भी पेपर होगा इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियरिंग का पूरे इंडिया का कोई भी पेपर होगा यहाँ से प्रिपरेशन हो जाएगी, घबराओ मत, किसी भी तरह का कोई पेपर नहीं छूटेगा, सारे सिलेबस यहां पर कवर अप हो सकता है, हर पेपर की तैयारी होती है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं बच्चों को समझ आ गया था, एक दो बच्चे कह रहे हैं नहीं आया था, डबली का बेसिक क्लियर है, बस बेसिक ही क्लियर है, बाकी सब कुछ हो जाएगा अपने आप, टेंशन मत लो। तो एक क्वेश्चन देता हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको समझ आया था
वो मेरे को करके देंगे। यहाँ पर कई बच्चों को समझ नहीं आया है, 5-6 बच्चे ऐसे नजर आ रहे हैं, बाकी सबको समझ आ गया है। तो उन 5-6 बच्चों के चक्कर में समझाना मेरे को ठीक नहीं लगता है। मैं फिर भी बेसिक क्लियर करवा दूंगा एक बारी। पहले मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उसका सॉल्यूशन आप लोगों को देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रिंटेड नहीं है, मैं ओरली बोलूंगा और आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। प्रिंटेड तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग लाया हूं जो आज से पहले लाया नहीं था, बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखो, ठीक है। सुनना क्वेश्चन को, सॉल्व करना और बताना। एक आरसीसी बीम है 250x500 mm का विद इफेक्टिव कवर ऑफ 40, क्या लिखा है, 240x500 mm का एक बीम का सेक्शन है, इफेक्टिव कवर जो मेरे को दे रखा है वो 40 mm का दे रखा है। द रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन द कंप्रेशन जोन इज 2 bars विद 12 mm डाया। कंप्रेशन जोन के अंदर जो मैंने स्टील प्रोवाइड करी है वो 2 bar प्रोवाइड करे हैं 12 mm के, ठीक है, और टेंशन जोन के अंदर जो मैंने प्रोवाइड करे हैं वो 4 bars प्रोवाइड करे हैं 20 mm डाया के। ये है टेंशन जोन के अंदर, ये है कंप्रेशन जोन के अंदर, ठीक है। आगे मुझे कह रहा है आपको यूज करना है M20 और Fe415 मटेरियल आपको यूज करना है, और आपसे पूछ रहा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए कैसे करेंगे, मैंने आप लोगों को कुछ बताया था, एक टेबल भी मुझे गिवन है यहां पर, वो टेबल जो कहती है मैं लिख देता हूं, उस टेबल को पढ़कर आप लोगों को याद आ जाएगा। देखिए क्या है टेबल में, D-D और FSC, यहां पर 0.05 है, 0.1, 0.15 और 0.2। FSC की वैल्यू 355, 353, 42 और 339। मतलब ये D- और D क्या, पहले ये बता देता हूं आप लोगों को, ये चीज जो है ये होती है मेरी सेक्शन। अगर मैं बनाना चाहूं तो सेक्शन कैसे बनेगा मेरा, ये मेरा कंप्रेशन है और ये मेरा टेंशन है। इस कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट का जो मैं कवर अप देता हूं इसको कहता हूं D- और टेंशन का जो देता हूं इसको कह सॉरी पूरी की पूरी इफेक्टिव डेप्थ को कह रखा है D। तो इन दोनों की जो रेशियो है वो है वो, और FSC इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंप्रेसिव जोन स्टील, ठीक है। तो मेरे को जल्दी से क्वेश्चन करके बताइए क्या है आपका क्वेश्चन का आंसर यहां पर। आप लोगों को यहां पर सर हाईवे कब होगा, जल्दी होगा, SSC JEE की वैकेंसी कब निकलेगी बता दो यार, ये तो फॉर्म तो निकल जाए उसके बाद ही बताएंगे थोड़ा सा। AST बच्चे कह रहे हैं AST की जरूरत नहीं है मुझे यहां पर, पहले मेरे को जल्दी से ये बताइए करेंगे कैसे। देखिए मैं ही बता देता हूं आपको करना क्या होता है, उसके बाद करते रहना, मतलब समझा देता हूं जिन बच्चों को पता नहीं है। देखिए होता क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको निकालना है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये मैंने बेहतरीन तरीके से बता रखा था, वही आप लोगों को करना है। अब बात आती है यहां पर, देखो कौन सा मटेरियल आप लोग यूज कर रहे हो, वो कर रहे हो Fe415। जब Fe415 आप लोग यूज कर रहे हो तो इस केस में आपको पता है, मैंने लिखवाया भी था, जिसको नहीं पता ये चीज मेरा लास्ट लेक्चर देख लेना, वही चीज आई हुई है, ये SSC JEE का क्वेश्चन है, ठीक है। Fe415 जो है ये D-D की रेशियो पर डिपेंड करता है, कंप्रेसिव जोन में कितना स्ट्रेंथ दिखाएगा स्टील। स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील इन द कंप्रेसिव जोन जो होता है वो Fe415 स्टील के लिए HYSD बार के लिए D-D रेशियो पर वेरी करता है। अब आपको पता है जेंटलमैन यहां पर कह रहा है D- मेरा कितना है इतना, आप इफेक्टिव डेप्थ निकाल सकते हो यहां से, 500 में से 40 माइनस कर दोगे तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हो, 460 जो है ये आपका इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगा। जब यहां से आप लोगों ने इफेक्टिव डेप्थ निकाल लिया है तो मैं दोनों का रेशियो निकाल सकता हूं, और उस रेशियो को फाइंड आउट करने के बाद मैं यहां से FSC निकाल सकता हूं। पहला स्टेप तो समझ आ चुका होगा, FSC पता लग गया है, रेशियो पता लग गया है मुझे। अब एक चीज तो मैं जानता हूं यहां से जेंटलमैन कि टेंशन के केस में क्या फॉर्मूला होता था, 0.87 FY into AST, ये था मेरा पूरा का पूरा टेंशन। AST कैसे निकालूंगा मैं यहां पर, AST जेंटलमैन जो निकलेगा वो निकलेगा टेंशन वाली रीइंफोर्समेंट से, इसका टोटल एरिया जो होगा वो होगा मेरा AST। दूसरा स्टेप समझ आ गया है,
अब जब AST पता लग गया है तो मोमेंट निकालना तो बहुत आसान है मेरे लिए। क्या करूँगा मोमेंट निकालने के लिए, देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला मैं जानता हूँ। मोमेंट निकालना है मेरे को 0.36 FC के BXU प्लस में 0.45 या सिंपल सी बात करना चाहूँगा ये इनटू में D माइनस में 0.42 XU प्लस में ASC इनटू में FSC माइनस में 0.45 FC के इनटू में, आई होप जेंटलमैन समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा हूं मैं यहां पर, D माइनस में D डैश। ये सिंपल एक मोमेंट का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। जिसको नहीं पता, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, जाके एक बार प्रीवियस लेक्चर देख लेना डब्ल्यू रीइंफोर्समेंट सेक्शन का, आपको समझ में आ जाएगा क्या है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं। उस नेक्स्ट टॉपिक में जो आ रहा है आप लोगों का वो होगा फ्लेंज बीम सेक्शन। ध्यान से समझना यार, फ्लेंज सेक्शन थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेट हो जाता है। टॉपिक डालते हैं अपना फ्लेंज सेक्शन। देखिए सबसे पहले समझते हैं ये फ्लेंज सेक्शन क्या होता है। आप लोगों ने जगह जगह देखा होगा जेंटलमैन कि आपको इस तरह के बीम दिखाई देते हैं। मैं अभी पिक्चर भी शो कराऊंगा आप लोगों को, समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। तो ये चीज जहां पर टी शेप का बीम या फिर मेरे को एल शेप का बीम दिखाई देता है, देखिए इस तरह के जहां पर मेरे को बीम दिखाई देते हैं, ये तो है मेरा बीम और ये इसको सपोर्ट करने के काम आता है। इस तरह के सेक्शन को मैं कहता हूं ये है मेरा फ्लेंज्ड सेक्शन। याद रखना है ये सेक्शन दिखते कहां पर हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। यार बच्चे कह रहे हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा। देखो अभी तक तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, अब शुरू कर रहा हूं आप लोगों का, ठीक है। जो पिछला था वो पिछले वाला था, आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखना समझ में आ जाएगा कुछ नहीं था, बट आज समझा रहा हूं जो वो अब शुरू कर रहा हूं, ठीक है। एक बच्चा मेरे से कह रहा है कि गेट के बारे में क्या खुशखबरी है। गेट के बारे में ये खुशखबरी है, आरसीसी में आए हुए जितने भी आपके गेट के मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं वो मैं आज आपको कराने वाला हूं। गेट लेवल के आए हुए क्वेश्चन और मेरे कुछ अपने क्वेश्चंस वो मैं आज आप लोगों को सेकंड लेक्चर में सॉल्व कराने वाला हूं, ठीक है। गेट 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 बहुत बच्चे कह रहे थे यहां पर, तो गेट वालों के लिए भी ले आया हूं, ठीक है। यही खुशखबरी है, पूरा क्वेश्चन सेक्शन गेट से रिलेटेड आरसीसी का लाया हूं आप लोगों के लिए, तो देख लेना कैसे आता है गेट में, ठीक है। फिलहाल आगे पढ़ते हैं फ्लेंज सेक्शन। आई होप समझ में आया होगा क्या होता है फ्लेंज सेक्शन, कि जहां पर मेरे को ये टी बीम दिखता है या फिर एल बीम दिखता है उसको मैं कहता हूं फ्लेंज सेक्शन। अभी बात आती है क्यों फ्लेंज बोला जाता है इस सेक्शन को। देखिए यहां पर मेरे को दिख रहा है, एक तो है मेरा वर्टिकल मेंबर और एक है मेरा हॉरिजॉन्टल मेंबर। इस वर्टिकल मेंबर को मैं नाम देता हूं वेब, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूं, पुरानों को पता होगा। और जो ये मेरा हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है इसको मैं कहता हूं फ्लेंज। ये सोम के अंदर बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो इसको कहा जाता है फ्लेंज और इसको कहा जाता है वेब। आई होप क्लियर होगा, ये छोटी छोटी सी चीज होती है। अब देखिए इसको एनालिसिस कैसे करते हैं। यहां पर मुझे पता है कि जनरली जो मैं सॉल्व करता हूं वो इसी सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आता है, कई बारी इसको भी आ जाता है, लेकिन प्रायोरिटी इसको ज्यादा दी जाती है, याद रखना है। स्टील कहां पर प्रोवाइड होती है ऐसे सेक्शंस में, आप लोगों को हमेशा याद रखना है स्टील जो मेरी प्रोवाइड होती है वो यहां पर प्रोवाइड होती है दोनों ही सेक्शन में, ठीक है। अभी बात आती है यहां पर जेंटलमैन कि ये वाला और ये वाला सेक्शन प्रोवाइड कहां कहां पर होता है। देखो बताते हैं, जरा ध्यान से देख के चलिएगा। ये मान लो आपकी एक स्लैब है, इस स्लैब को आपको सपोर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, यहां पर एक एल सेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इधर बीच में आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा टी सेक्शन, यहां पर भी टी सेक्शन और यहां पर फिर से एक एल सेक्शन, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा जहां पर टी सेक्शन देते हैं कहां पर एल सेक्शन देते हैं, बड़ा ही बेसिक सा चीज है। अब यहां पर बात आती है कि कंडीशन क्या क्या है, क्या कंडीशंस होंगी जहां पर मेरे को ये देना पड़ेगा फ्लेंज सेक्शन। तो पहली कंडीशन आप लोग याद रखेंगे कि जहां पर स्लैब एंड बीम
मोनोलिथिकली कास्ट करा जाता है, मोनोलिथिकली कास्ट करा जाता है, उधर मैं कहता हूं कि मेरा फ्लेंज सेक्शन मेरे को देना पड़ेगा, पहली कंडीशन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आप लोगों से ये क्या कहता है मोनोलिथिकली का मतलब क्या होता है, बताता हूं अभी। देखो ये है आपकी स्लैब और स्लैब के अंदर ही आपने बीम फिट कर दिया है, मतलब स्लैब जो है उस स्लैब के ठीक अंदर ही, अगर यहां पर मैं कहना चाहूं ये पूरी की पूरी मेरी स्लैब है, ये पूरी की पूरी मेरी स्लैब है, यानी बीम जो सेक्शन है वो पूरा का पूरा मेरा स्लैब के अंदर ही फिट हो गया है, कुछ भी अलग नहीं दिख रहा, मतलब ये जो बीम है ये बीम स्लैब का ही हिस्सा बन गया है, उस केस में मैं फ्लेंज सेक्शन प्रोवाइड करता हूं, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब एक बात आती है यहां पर, बड़ी ही सिंपल सी बात है, बड़ी ही अच्छी बात है, जरा ध्यान से समझ के चलिएगा। अरे कहां से आ गया यार ये अंशुमान रघुवंशी, कैसी आप बात कर रहे हैं यहां पर आकर, खैर। देखिए अभी बात आती है जेंटलमैन, यहां पर ये तो समझ आ गया कैसे प्रोवाइड करा जाता है, अभी बात आएगी कि यार जो मैंने प्रोवाइड करा है उसमें रीइंफोर्समेंट कैसी दी जाती है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है जो मेरी बीम की रीइंफोर्समेंट होती है, यहां पर दूसरा पॉइंट लिखेंगे रीइंफोर्समेंट ऑफ द बीम एंड स्लैब आर ज्वाइंड बाय वर्टिकल स्टिरप्स। बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखना है क्या मतलब है, थोड़ा ध्यान से समझ के चलेंगे। बीम की और स्लैब की जो मेरी रीइंफोर्समेंट होती है, सरिया बीम में भी होगा सरिया स्लैब में भी होगा, उन दोनों को जोड़ना तो पड़ेगा, तो जोड़ते कैसे हो आप, सपोज ये आपका स्लैब का सरिया जा रहा है और ये आपका बीम का सरिया जा रहा है, इन दोनों को जोड़ना तो पड़ेगा जब ही ज्वाइंट हो पाएगा, नहीं तो अलग अलग हो जाएगा, तो जोड़ने के लिए आप किस चीज का यूज करेंगे, वर्टिकल स्टिरप्स का, याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। एक बड़ा ही बेहतरीन पॉइंट यहां पर आता है जेंटलमैन, इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा, कई बच्चों को पता नहीं होता यह बात। तो देखिए यहां पर आपका एक बीम है कुछ इस तरीके का, ठीक है, इस बीम के ऊपर लोड तो पड़ ही रहा है, ठीक है, एक ये है और स्लैब इसके ऊपर ऐसे ऐसे जा रही है, यहां पर भी मैंने एक बीम दे दिया है, ये टी बीम जा रहा है। एक बात का ध्यान रखेंगे यहां पर जेंटलमैन, इस केस में जब मैं लोड डालूंगा इस सेक्शन के ऊपर तो बीम बेंड होने की कोशिश करेगा, यहां पर मुझे पता है ये डिफ्लेक्शन तो करेगा, यहां पर स्ट्रक्चर जो है ये कुछ इस तरह का डिफ्लेक्शन शो करेगा, बड़ी ही सिंपल सी बात है, लेकिन किस लेंथ के अलोंग डिफ्लेक्शन शो करेगा, यहां पर अगर मैं देखना चाहूं ना तो ये डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा शो करेगा, यहां से एकदम से ऐसा नहीं मुड़ता कभी भी, एकदम से कभी नहीं मुड़ता, होता क्या है ये जो एक वेब है ये इसको सपोर्ट करके रखेगा और थोड़ी सी दूर तक सपोर्ट होने के बाद ये यहां से मुड़ेगा एक्चुअली में, तो मेरी बात को जरा ध्यान से समझेंगे, एक चीज जो है वो कुछ ऐसे जाके ऐसे मुड़ रही है और एक चीज ऐसे मुड़ना चाह रही है, तो वो जो लेंथ है ये लेंथ जिसके अलोंग डिफ्लेक्शन हो रही है, मेरी बात समझ में आई होगी आप लोगों को, वो लेंथ ऑफ द सेक्शन, वो लेंथ ऑफ द स्पैन जिसके अलोंग डिफ्लेक्शन हो रही है, इसको कहता हूं मैं इफेक्टिव विड्थ, इफेक्टिव स्पैन कह लो, इफेक्टिव विड्थ कह लो, मतलब कुछ भी, इफेक्टिव का मतलब समझ में आया होगा आप लोगों को, आई होप कोई दिक्कत नहीं है, इफेक्टिव क्लियर हो गया तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, यहां पर इफेक्टिव एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहां पर अभी बात आती है, सर जेई का टेस्ट सीरीज चाहिए, जेई का टेस्ट सीरीज चाहिए, यार जेई का टेस्ट सीरीज जल्दी आएगा आप लोगों के लिए, थोड़ा वेट करते रहो, ठीक है। और वर्टिकल गलत लिखे फिर सर, क्या बोला, अरे यार स्पेलिंग पे मत जाया करो आप लोग, ये ऐसे है, ठीक है। आगे कुछ पूछना है तो जल्दी पूछ सकते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। सर टी सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकलता है, यार ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मेथड जो है ना जेंटलमैन, सो में भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, मैं बता दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, चलो बता देंगे ये चीज भी। यहां पर बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि ये LSM से है कि WSM से है,
ये मेथड जो मैं बताऊंगा ये LSM से बताऊंगा क्योंकि LSM ही पेपर में जनरली पूछा जाता है, WSM इतना नहीं पूछा जाता। सो जेंटलमैन, अभी ना IAS कोड ने यहां पर मुझे कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं। क्या फॉर्मूले दे रखे हैं कि मेरा देखो सिंपली सपोर्टेड भी हो सकता है या कैंटिलीवर भी हो सकता है, कैसे हो सकता है जरा ध्यान से समझेंगे। देखो इफेक्टिव विड्थ निकालने के लिए, इफेक्टिव विड्थ निकालने के लिए IAS कोड ने मुझे क्या कह रखा है, IAS कोड ने कह रखा है अगर आपको इफेक्टिव विड्थ टी बीम के लिए निकालनी है तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा एल नॉट बाय 6 प्लस में बी डब्ल्यू, एल नॉट बाय 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस में 6 ऑफ डी एफ। ये क्या क्या है थोड़ा समझ के चलना यहां पर वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए ये मेरा एक टी सेक्शन है, बी डब्ल्यू क्या होता है, बी डब्ल्यू इज डिफाइंड एज द विड्थ ऑफ वेब, इसको कहा जाता है बी डब्ल्यू, ठीक है। ये मेरा वेब है और वेब के विड्थ को कहा जाता है बी डब्ल्यू। वही ये चीज मेरी फ्लेंज है और फ्लेंज के डेप्थ देखी जा रही है तो इसको कहा जाता है डी एफ, डेप्थ ऑफ द फ्लेंज, क्लियर है। अभी बात आती है यहां पर एल नॉट क्या है, एल नॉट कहा जाता है इफेक्टिव स्पेन, बोले तो एल नॉट जो होता है उसको कहा जाता है इफेक्टिव स्पेन। इफेक्टिव स्पेन आपको जनरली पेपर में गिवन होता है, अगर इफेक्टिव स्पेन गिवन नहीं है तो ये निकालते कैसे हैं ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, टेंशन मत लेना आगे कवर अप हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि इफेक्टिव स्पेन जो होता है उसका कॉन्टिन्यूस बीम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कॉन्टिन्यूस बीम के लिए इफेक्टिव स्पेन का क्या फॉर्मूला होता है याद रखेंगे, 0.75 इंटू में स्पेन। देखिए अगर आपका कोई कॉन्टिन्यूस बीम है, कॉन्टिन्यूस बीम क्या होता है, यहां पर आपकी स्लैब है और इस स्लैब में यहां पर आपने बहुत सारे बीम दे रखे हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस बीम के केस में जो आपका इफेक्टिव स्पेन आएगा वो 0.75 से मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल स्पेन लेंथ को, ठीक है। अभी बात आती है ये जो चलो टी बीम के लिए हुआ है, एल बीम के लिए अगर मेरे को करना है, दो मिनट वेट करिएगा यहां पर। डिजाइन ऑफ कॉन्टिन्यूस स्लैब यार आगे पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा सबर रखिए। अब जेंटलमैन बात आती है, चलो ये तो था टी बीम के लिए, अगर मेरे को एल बीम के लिए देखना हुआ, आप लोगों को एक चीज तो समझ आ रही होगी यहां पर कि टी बीम का अगर मैं आधा कर देता हूं तो मेरा एल बन जाता है, अगर मैं इस हिस्से को ही मिटा देता हूं यहां से, ये हिस्से को मैंने मिटा दिया तो मेरा एल बन गया है। बड़ी छोटी सी बात मुझे यहां पर समझ में आई है, L के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये था T बीम के लिए फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी आपका क्वेश्चन ये आ सकता है। लेकिन L बीम के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आधा कराना, यहां पर भी आधा कर दो। आधा कैसे करोगे, ये 6 है, जब मैं इसको आधे से डिवाइड करूंगा तो ये 12 हो जाएगा, ये बी डब्ल्यू ही रहेगा, इसको आधे से डिवाइड करूंगा ये 3 हो जाएगा। तो L के लिए इफेक्टिव विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो ठीक आधा कर दो, T के लिए जो था वो था। तो एक फॉर्मूला याद रख लेना, दूसरा आपको आराम से निकल सकता है, ये एक ट्रिक है, वरना याद करना है तो याद करना पड़ेगा, पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो इफेक्टिव विड्थ फॉर द एल सेक्शन क्या होती है, एल नॉट बाय 12 बी डब्ल्यू प्लस 3 ऑफ डी एफ, सारे मतलब वही है, कुछ भी अलग नहीं है यहां पर। अभी जेंटलमैन बात आती है यहां पर कि ये तो चलो यार बहुत सारे बीम थे मेरे, मतलब ये जो मैंने केस बताए हैं ना आप लोगों को, ये केस बताए हैं कि ये मेरी स्लैब है और यहां पर एक एल सेक्शन दे रखा है, यहां पर टी सेक्शन दे रखा है, यहां पर फर्दर टी सेक्शन है, यहां पर फर्दर टी सेक्शन है और यहां पर दोबारा से एक एल सेक्शन है। ये इस तरह के केस के लिए मुझे दे रखा था फॉर्मूला। लेकिन अगर मेरा आइसोलेटेड बीम हुआ तो क्या करूंगा, आइसोलेटेड बीम क्या होता है पहले यह समझाता हूं आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा कह रहा हूं, पेपर में पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है।
यार आइसोलेटेड का मतलब होता है सिंगल, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। सपोज ये आपकी एक स्लैब है और इस स्लैब को उठाने के लिए मैंने सिर्फ एक ही बीम का यूज करा है, इस केस के बीम को कहता हूं आइसोलेटेड बीम, ठीक है। आइसोलेटेड के केस में इफेक्टिव विड्थ अलग हो जाती है। आइसोलेटेड के केस में जो आपका फॉर्मूला बन के आएगा वो आपको याद रखना है जेंटलमैन, क्या फॉर्मूला होता है इफेक्टिव विड्थ का, बी एफ इज इक्वल टू एल नॉट अपॉन में एल नॉट बाई बी डब्ल्यू प्लस में फोर प्लस में बी डब्ल्यू। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब मैं समझाता हूं ये क्या है। देखिए एल नॉट तो आपको पता है, ये आइसोलेटेड टी बीम के लिए फॉर्मूला है। एल नॉट क्या होता है, एल नॉट मैंने यहां पर आप लोगों को बताया कि इफेक्टिव जो मेरा लेंथ होता है स्पैन का, ठीक है। कैसे निकालते हैं बताऊंगा आगे, अभी आप लोगों को थोड़ा सा सबर रखिएगा। एल नॉट अपॉन में एल नॉट अपॉन में बी, बी क्या है टोटल विड्थ, टोटल विड्थ कितनी है मेरी सेक्शन की वो कहलाता है मेरा एल नॉट, बोले तो ये चीज पूरा टोटल विड्थ, ठीक है। और इफेक्टिव विड्थ कुछ हो रहेगी, इफेक्टिव विड्थ मेरी यहां तक बनती है, तो एल नॉट अपॉन में बी प्लस में फोर प्लस में बी डब्ल्यू। एक कंडीशन और आती है कि ये जो मेरी इफेक्टिव विड्थ है ये कभी भी टोटल विड्थ से तो ज्यादा हो ही नहीं सकती, तो ऑलवेज लेस देन बी रहेगा। ये एक्चुअली में डीएमआरसी पता नहीं एलएमआरसी के अंदर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, तो आप लोगों को यह समझ में आना चाहिए। अगर मैं यहां पर निकालना चाहूंगा एल सेक्शन के लिए, अगर मैं यहां पर निकालना चाहूंगा एल सेक्शन के लिए, तो एल सेक्शन के लिए क्या होता है याद रखिएगा जेंटलमैन, मैंने बताया आप लोगों को आधा करते रहो आधा करते रहो आधा करते रहो, यहां पर भी आधा कर दो, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे फॉर्मूले को, तो आपकी आइसोलेटेड सेक्शन के लिए इफेक्टिव विड्थ का फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहां पर मैं आप लोगों को पिक्चर से शो करना चाहूंगा कि आइसोलेटेड क्या होता है और पूरे का पूरा कॉन्टिन्यूस क्या होता है। तो पहली पिक्चर जो आपको स्क्रीन पे अभी दिखेगी वहां पर आप लोग देखेंगे कि ये आइसोलेटेड सेक्शन है, तो पेपर में जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है कि आइसोलेटेड बोला है या कॉन्टिन्यूस बोला है। अगर आइसोलेटेड बोलेगा तो इफेक्टिव विड्थ अलग हो जाती है। तो आप देख सकते हैं जहां पर आप लोगों को एक ही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ही बीम दिख रहा है उसके अंदर, उसको कहते हैं आइसोलेटेड। सेकेंड पिक्चर अभी स्क्रीन पर शो होगी आप लोगों को, यहां पर आप लोगों को दिख रहा है कॉन्टिन्यूसली बहुत सारे हैं। तो पहली पिक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया था टी बीम था, इसमें आप लोग देख सकते हैं कॉन्टिन्यूस है बहुत सारे हैं, तो ये आइसोलेटेड नहीं है। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि क्या है। नितिल वर्मा जी यहां पर कुछ कमेंट करे जा रहे हैं बहुत देर से और मैंने पढ़ लिया है बट मैं बोल नहीं चाह रहा वहां पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा यहां पर टी बीम बहुत सारे दे रखे हैं, तो क्लियर हो गया है टी बीम एक्चुअली में होता क्या है, इफेक्टिव विड्थ कैसे निकाली जाती है। अभी बात आती है कि एनालिसिस कैसे करते हैं, तो समझते हैं थोड़ा सा एनालिसिस के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एनालिसिस का, और जरा ध्यान से समझ के चलना ये वाला पार्ट। चलिए अब मेन मुद्दे की बात शुरू होती है यहां पर। अभी तक तो मैंने ऐसे ही बता दिया था बच्चों वाली चीजें, तो जेंटलमैन सर हटा दीजिए स्क्रीन से, एनालिसिस की बात करते हैं। देखिए मैं अगर इसकी एनालिसिस करना चाहता हूं तो मैंने एक फ्लेंज सेक्शन अपना बना लिया। अब एक चीज तो समझ में आती है यार कि LSM का जब मैं स्ट्रेस डायग्राम देखता था तो ये स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरह का होता था, बड़ी सिंपल सी बात है। अब यहां पर जरा ध्यान देकर चलिएगा क्यों IS कोड ने ऐसी चीजें फॉलो कर रखी है, वरना कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों को, कि अगर ये कॉन्स्टेंट स्ट्रेस जो है, अगर ये कॉन्स्टेंट स्ट्रेस इस पूरे को कवर कर रहा है, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस पूरे के पूरे में कवर कर रहा है, यानी मैं कह सकता हूं कि फ्लेंज वाले सेक्शन में पूरा का पूरा एक ही स्ट्रेस लग रहा है मेरा, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक स्ट्रेस लग गया है, एक स्ट्रेस को मैं रेक्टेंगुलर बीम की तरह डिजाइन करूंगा। कैसे जरा ध्यान से देखना यार आप लोग, यहां पर एक बीम है आपका, उस बीम के ऊपर आप लोग क्या मान के चलते थे कि स्ट्रेस जो है वो इक्वल लग रहा है हर पॉइंट पर। आप कहते थे कि यहां पर एक कॉन्स्टेंट स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस मेरा लग रहा है, जो मैक्सिमम स्ट्रेन कॉज करता है वो मैंने ले लिया है यहां पर, और वो कितना होता था 0.36 FC के। तो ये मेरा मैक्सिमम स्ट्रेस लगता था, उसी के करस्पॉन्डिंग में अपने बीम को डिजाइन करता था। अगर
ये पूरा का पूरा हिस्सा मेरा फ्लेंज को कवर अप कर लेता है तो वो सिंपल रेक्टेंगुलर बीम की तरह डिजाइन होगा। एक बात जरा ध्यान में रखना। अब आते हैं असली चीज पर। यहां पर जेंटलमैन केसेस बनते हैं। क्या केसेस बनते हैं मेरे? केस नंबर वन क्या कहता है कि अगर मेरा न्यूट्रल एक्सिस जो है वो अगर न्यूट्रल एक्सिस मेरा पूरा का पूरा बड़ा हो गया है इससे, ठीक है, तो क्या होगा? और अगर न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज से छोटा हो गया है तो क्या होगा? देखिए, न्यूट्रल एक्सिस अगर फ्लेंज से बड़ा हो गया, फ्लेंज की विड्थ से बड़ा हो गया है तो क्या होगा? अगर न्यूट्रल एक्सिस मेरा फ्लेंज की विड्थ से छोटा हो गया है तो क्या होगा? जरा ध्यान से समझ के चलिएगा। देखिए, जब न्यूट्रल एक्सिस मेरा फ्लेंज की विड्थ से छोटा हो जाएगा तो मैं कह सकता हूं यहां पर जेंटलमैन कि पूरा का पूरा न्यूट्रल एक्सिस इसके अंदर आ रहा है, कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन लिख दूंगा। मेरी बात समझ में आई होगी आप लोगों को जो मैं बोलना चाह रहा हूं? दोबारा बोल के समझाऊंगा यहां पर आप लोगों को कि मेरे को एक्चुअली में डिजाइन करना होता है इस सेक्शन को, ठीक है? अगर मेरा न्यूट्रल एक्सिस इस सेक्शन के अंदर लाई करता है, इस सेक्शन के अंदर लाई करने का मतलब क्या है कि ये सारा का सारा हिस्सा यहां पर लाई करता है। दोबारा से बना के दिखाता हूं, न्यूट्रल एक्सिस यहां पर लाई कर रहा है तो ये एक बीम की तरह ही तो हो गया मेरा। मेरे बीम की तरह कैसे होगा भाई? यहां पर कुछ इस तरह का स्ट्रेस डायग्राम बनेगा। पूरा का पूरा इस सेक्शन को एक रेक्टेंगुलर बीम की तरह डिजाइन कर दूंगा अगर न्यूट्रल एक्सिस इसके अंदर लाई करता है, डेप्थ ऑफ द फ्लेंज से छोटा बनता है तो। मेरी बात समझ में आई होगी जो आज से पहले हम करते आए हैं। तो यहां पर क्या करना है, देखिए, अगर इस केस में ऐसा बनता है तो रेक्टेंगुलर बीम की तरह डिजाइन हो जाएगा। अब बात समझ में आती है यहां पर ये कैसे डिजाइन होगा। मैं बीम में क्या करता था रेक्टेंगुलर बीम के केस में, अगर आप लोगों को याद हुआ तो मैं वहां पर करता था जेंटलमैन, वहां पर मैं करता था कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन, और कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन निकालना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। 0.36 FC के BXU, XU क्या है? XU इज द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, ठीक है, इज इक्वल टू 0.87 FYAST करता था। यहां से मैं अपना XU आराम से निकाल सकता हूं। मेरी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। ये B कौन सा है? ये B है BF, ये B जो है ये BF है, BF मतलब बी इफेक्टिव, ठीक है। तो यहां से मैं अपना आराम से XU निकाल सकता हूं। अब एक चीज जरा ध्यान से देखना, XU चलो यहां से आ गया, बट अगर अब दूसरा केस मेरे को समझना है तो दूसरे केस में क्या हो सकता है? XU मेरा बड़ा हो सकता है DF से। जरूरी थोड़ी है कि ये XU जो है वो हमेशा इसके अंदर लाई करेगा, XU मेरा यहां पर बड़ा भी हो सकता है। बड़ी सिंपल सी बात है जेंटलमैन, देखिए क्या करना है मुझे यहां पर। जब XU मेरा इस DF से बड़ा हो गया तो क्या करूंगा? देखो यहां पर दो केस अराइज होते हैं। क्या केस अराइज होंगे? मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि यहां पर अगर कांस्टेंट स्ट्रेस इस पूरे हिस्से को घेर रहा है, मैं कह सकता हूं ये कांस्टेंट स्ट्रेस वाले की लेंथ होती थी 3/7 ऑफ XU। अगर ये 3/7 ऑफ XU जो है वो DF से बड़ा है, ध्यान से समझना इस चीज को वरना कंफ्यूजन हो सकता है। अगर ये 3/7 XU DF से बड़ा है, यानी मेरा ये वाला पूरा हिस्सा कांस्टेंट स्ट्रेस में लग रहा है, और जब कांस्टेंट स्ट्रेस में लग रहा है तो कैसे करूंगा? ये हिस्सा समझ आ गया तो इसको मिटा दूं? यार बहुत देर से फीडबैक नहीं मांगा है, एक बारी थम्स अप करके बता दीजिए अगर जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ आया कि नहीं आया, वरना इस चीज को मैं दोबारा बताना चाहूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन क्रिएटिंग है पूरा का पूरा। समझ आ गया तो बढ़िया लगेगा, नहीं आया तो मन खराब रहेगा, हम चाहते नहीं मन खराब हो। थम्स अप करके जल्दी से बता दीजिए कि ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सुनील करट जी पूछ रहे हैं DFCCIL का लेवल क्या होगा? गेट लेवल का होगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है दोबारा बता दो सर, झांसी कैंटोनमेंट बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एग्जाम में लेवल के क्वेश्चन आते हैं, देखना पड़ेगा यार, उसका पेपर देखा नहीं है आज से पहले। दो बच्चों को समझ नहीं आया है,
मैं नहीं चाहूँगा यहाँ पर उन दो तीन बच्चों के लिए कि दोबारा बताऊँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा अगर मैंने दोबारा बताया। फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिसको समझ नहीं आया है दोबारा, मतलब आगे जो करा रहा हूँ वो पूरा का पूरा इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा यार, इसको मैं रब कर रहा हूँ। देखो ये सारी चीजें ना जो मैं अभी कर रहा हूं, ये सारी चीजें आईएस कोड कहता है और ये आईएस कोड ही चल रहा है अपना, ठीक है। कौन सा कोड था? आईएस 456-2000। ये कोड मत भूल जाना, पेपर में अगर ये आ गया और ये आंसर गलत हो गया तो हमारे लिए इससे बड़ी बेइज्जती की बात कोई नहीं होगी, ठीक है। तो समझते हैं आगे चीजें। और मैंने क्या बोला अभी आप लोगों को कि ये टी सेक्शन जो है आप लोगों का, इस टी सेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है, ये वाला हिस्सा अभी कांस्टेंट स्ट्रेस से बीत रहा है, यानी ये अगर हिस्से की डेप्थ डीएफ है तो 3/7 एक्सयू जो है वो डीएफ से बड़ा है। ये पूरा हिस्सा जो है कांस्टेंट स्ट्रेस से गुजर रहा है। अगर मैं इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाना चाहता हूं तो कुछ इस तरह का, ये पूरा हिस्सा कांस्टेंट स्ट्रेस से गुजर रहा है। देखिए इस तरह के सेक्शन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, जब आपका एक्सयू डीएफ से बड़ा हो जाएगा तो इस तरह के सेक्शन को आपको कैसे सॉल्व करना है, इस सेक्शन को दो हिस्सों में बांट लो। एक हिस्सा तो मेरा बनेगा ये वाला हिस्सा और एक हिस्सा मेरा बनेगा ऐसा। देखिए है क्या, समझते हैं थोड़ा सा। ये पूरा हिस्सा जो है मैंने एक पूरा का पूरा बीम के सेक्शन की तरह तोड़ लिया। मैंने क्या करा, इस सेक्शन को दो बीम सेक्शन में तोड़ दिया। थोड़ा सा दिमाग लगाया हुआ है और कुछ नहीं है। जब मैं इसको बीम सेक्शन में तोड़ूंगा तो मैं यहां से जानता हूं ये पूरा का पूरा बी डब्ल्यू था और ये पूरी की पूरी बी इफेक्टिव थी, बी एफ, ठीक है। यहां से मैंने जो इसको तोड़ा है ये मेरा बी डब्ल्यू है और ये जो डेप्थ मेरी बचेगी ये कौन सी बचेगी, ये मैं कह सकता हूं पूरी की पूरी बी इफेक्टिव में से बी डब्ल्यू माइनस कर देता हूं तो यहां पर मेरी बचेगी बी इफेक्टिव माइनस बी डब्ल्यू। ये तरीका है, आईएस कोड ने बताया है, वो ही फॉलो कर रहा हूं। अब क्या करना है, देखिए एक चीज मैं जानता हूं फॉर द सेफ कंडीशन, मतलब टिक जाती है वहां से कंडीशन मेरी, कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन रखता हूं हमेशा। अब आपको नेट कंप्रेशन निकालना है इस चीज का, वो कैसे निकालेंगे, यहां से मैं जानता हूं ये डेप्थ तो मेरी डीएफ है। जब मैं नेट कंप्रेशन निकालना चाहता हूं तो इस सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, 0.36 एफसी के बीडब्ल्यू, क्योंकि विड्थ अभी बीडब्ल्यू है और न्यूट्रल एक्सिस इसी सेक्शन में लाई कर रहा है पूरा का पूरा। मेरे को पता है ना कि डीएफ से बड़ा न्यूट्रल एक्सिस है वो इसी सेक्शन में लाई कर रहा है। सपोज ये वाला है न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ, इनटू में एक्सयू कर देता हूं प्लस में। इस वाले सेक्शन के लिए अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूंगा, देखिए 0.45 एफ सी के बी एफ माइनस में बी डब्ल्यू, कितनी इस सेक्शन की डेप्थ है। यहां तक तो बेसिकली समझ में आ गया होगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर 0.36 क्यों लिया मैंने, क्योंकि मैं जानता हूं इस सेक्शन के अंदर C1 और C2 दोनों लाई कर रहे हैं, ये कांस्टेंट वाला भी लाई कर रहा है और पैराबोलिक वाला भी लाई कर रहा है, इसलिए 0.36 लिया। उसके अंदर तो C1 लाई कर रहा है इसलिए 0.45 लिया। FC के टोटल विड्थ जो थी इस सेक्शन की वो, और कितनी डेप्थ है DF, ठीक है। ये हुआ टोटल कंप्रेशन। टेंशन कैसे निकालूंगा, इज इक्वल टू मैं 0.87 FY इंटू AST। आई होप जेंटलमैन जो मैं समझाना चाह रहा था यहां पर वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, ये क्लियर तो सब क्लियर। ये आईएस कोड का मेथड है और मेथड कुछ नहीं है, एक इंटेलिजेंट बंदे ने निकाला हुआ तरीका है। दोबारा समझा रहा हूं, दोबारा समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो केस क्या बना था कि एक्सयू जो है वो डीएफ से बड़ा है, यानी न्यूट्रल एक्सिस जो है वो इस फ्लेंज विड्थ से नीचे लाई कर रहा है। उसमें भी केस बनाया एक कि ये फ्लेंज में कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है या वेरिएबल स्ट्रेस है। मैंने ऐसा माना, पहला केस लिया कि इसके अंदर जो स्ट्रेस लग रहा है वो पूरे फ्लेंज के अंदर सेम लग रहा है, ठीक है। कौन से वाला, 3/7 एक्सयू वाला, ठीक है। फिर एनालिसिस जो करनी थी वो उसको तोड़ा, कैसे तोड़ा, इस सेक्शन को दो सेक्शन में तोड़ दिया, एक ये सेक्शन बनाया, एक इससे बचा हुआ सेक्शन बनाया। इस सेक्शन की अगर मैं बात करूं इसकी, तो मैं कह सकता हूं यार इस सेक्शन को ऐसे बनाया, इसमें न्यूट्रल एक्सिस यहां लाई कर रहा है जैसा पहले करते आया था। ये एक बीम है, न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रहा है,
टोटल कंप्रेशन कितना होता है, 0.36 FC के BW विड्थ है इसकी इनटू XU, बड़ी सिंपल सी बात। लेकिन जो बचा हुआ है मेरा सेक्शन, उस सेक्शन के अंदर मैं जानता हूं कि सिर्फ और सिर्फ ये 0.45 वाला ही स्ट्रेस लग रहा है, C1 जो मैंने माना था पहले एनालिसिस करते हुए, C2 लग ही नहीं रहा। जब C1 लग रहा है, 0.45 FC के विड्थ कितनी बचेगी उसकी, टोटल में से BW माइनस कर देता हूं, BF माइनस BW कितनी उसकी डेप्थ है, DF, और सेफ कंडीशन के लिए C इज इक्वल टू T रखता था, टेंशन कितनी होगी 0.87 FYASG, और कुछ है ही नहीं। सो जेंटलमैन, आई होप एनालिसिस समझ में आई होगी कि एक्चुअली में मैं करता क्या हूं इसके अंदर। अभी बात आती है दूसरे केस की, सर क्या वाईफाई स्टडी में यूपी टेट की भी क्लास चलती है? हाँ जी चलती है यूपी टेट की भी क्लास हमारी, हमारे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पूरा का पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आज कितने बजे क्लास स्टार्ट किया सर? हमारी क्लास 3:10 पे स्टार्ट हुई थी। कुछ बच्चे नए बन रहे हैं यहाँ पर, सो आज मैंने बोला नहीं है, जो नए आए हैं यहाँ पर उनका स्वागत है हमारे वाईफाई स्टडी चैनल के अंदर। एक्चुअली मैं आज टॉपिक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लाया हूँ ना, तो इसलिए बातें कम कर रहा हूँ, पढ़ा ज़्यादा रहा हूँ। 5 मिनट बात कर लेता हूँ, उसके बाद जल्दी जल्दी कर लेते हैं। निखिल सर शेयर प्लीज फ्रेंड्स, ग्रेट टीचिंग बाय निखिल सर, थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या पढ़ाओगे यार? नेक्स्ट क्लास जब मैं लूंगा ना, नेक्स्ट हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा लोग आना, आप लोगों से वोटिंग करवाऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट हफ्ते करा लूंगा, क्योंकि नेक्स्ट से नेक्स्ट हफ्ते RCC कंप्लीट करने वाला हूं। नेक्स्ट हफ्ते में आ जाना सब लोग, अपना अपना दे देना वोटिंग, किसको ज्यादा वोट मिलेगी वही सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और अपना भी कुछ एडवाइस दे दूंगा कौन सा करना चाहिए। गेट लेवल नहीं आएगा, गेट लेवल भी हो जाएगा, टेंशन मत लो। कुछ समझ नहीं आया इस बच्चे का कमेंट, शायद और किसी के लिए था। @ आलेना सर दिल जीत लिया आपने, अदिल का थैंक यू। सर न्यूट्रल एक्सेस हमेशा वेब पे ही होगा क्या? नहीं यार, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन अभी बच्चे ने जो पूछा है उसका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। जो मैंने पहले सबसे पहला जो केस कराया था कि न्यूट्रल एक्सिस जो है वो डेप्थ ऑफ द फ्लेंज से कम है, यानी वो फ्लेंज में ही लाई कर रहा है। यहां पर ये आपकी फ्लेंज है, कुछ ऐसा ये फ्लेंज है और न्यूट्रल एक्सिस यहीं पर लाई कर रहा है, अंदर ही लाई कर रहा है। इस सेक्शन को जो डिजाइन करते हैं बिल्कुल सेम जो हम रेक्टेंगुलर करते थे ना, जो हमने बीम सेक्शन अभी थोड़े दिन पहले देखा है, वो ही चीज है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो होता है उसके अंदर भी हो जाता है। सर कुछ भी नहीं आ रहा है, मोहम्मद सुहेल को समझ नहीं आ रहा। सुहेल जी एक बार ही कमेंट करके आप बताएंगे क्या आप आपकी पहली क्लास है, आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए क्या आपकी पहली क्लास है आज। UPSC UPPSSCCJEE के लिए PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं क्या सर? कोशिश करेंगे, गारंटी नहीं लेते। FM पूरा नहीं हुआ है, मैं एक बार ही देख लूंगा उन्होंने कितना कराया है, थोड़ा बहुत बचेगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है। संध्या हाईवे क्या बोल गए? प्रदीप पटेल जी कह रहे हैं एक बार ही सुन लो। क्या सुनूं? IES हो जाएगा क्या? IES तो पक्का हो जाएगा, पूरा नहीं होगा, 85 से 90% के बीच IES हो जाएगा। एक्चुअली मैं 10% इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि IES के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि कहीं से भी उठा के देता, बहुत आसान चीज है। IES के क्वेश्चन ज्यादातर मैंने जो एनालिसिस करी है वहां से आते हैं, जो बच्चे बहुत आसान छोड़ के छोड़ ही देते हैं, आसान समझ के छोड़ देते हैं, वहां से IES के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा मुझे लगता है। 85 से 90% कंप्लीट हो जाएगा, वो 10% आप लोगों के भरोसे रहेगा, ठीक है। सर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? नहीं, हमारा वाईफाई परिवार है। सर मेरी पहली क्लास है सर, चलिए अच्छी बात है, प्रदीप जी की पहली क्लास है। यार एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा था, मैंने अभी नाम भूल गया क्या कहा था। गेट के लिए क्या खुशखबरी? बता दिया है, थोड़ी देर वेट करिए, सामने भी आ जाएगी आपके। फर्स्ट क्लास गेट एंड SSC करा दो पूरा, ये तो हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं है। सर क्लास तो डेली लो, बच्चों का रिस्पॉन्स जैसा जैसा आएगा क्लास उस हिसाब से बढ़ती रहेगी। 1000 बच्चे रोज के आते हैं तो क्लास हो सकती है, ठीक है। मैक्सिमम शेयर करो आप लोग, आई ऑल्सो वॉन्ट की क्लास रोज हो, कोर्स जल्दी खींचे, कोर्स जल्दी पूरा हो, पेपर के क्लेरेशन ज़्यादा हो, तो 1000 बच्चे रोज के आएंगे तो क्लास हो सकती है डेली, ठीक है। क्या गेट क्वालिफाई हो पाएगा? देखो मना मैं नहीं करता, इंसान को अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, एक बात जानता हूं, इतना जोश होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमेशा चोड़ में रहूं। चोड़ में रहना बहुत बड़ी बात है, और चोड़ में वही रह सकता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा।
फुल कॉन्फिडेंस रखेंगे यार, लास्ट दिन तक भी नहीं पढ़ा ना तो भी मन में तो यही रखेंगे जुगाड़ से ही करके आऊँ, पास तो कर ही दूंगा, ना हुए बाद की बात है लेकिन कैसे ही करके आऊँ पास तो कर ही दूंगा। ठीक है, तो मना मत किया करो, मैंने भी सबसे पहले जब तैयारी करी थी 4 महीने थे, कर दिया था, गेट क्वालिफाई हो गया था तो नंबर भी ठीक ठाक आए थे, बुरे नहीं थे। ठीक है, क्या गेट क्वालिफाई हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा आशुतोष, टेंशन मत लो। सर कौन कौन क्लास एंड हो चुकी है सिविल इंजीनियरिंग में? क्रेजी इंजीनियर से पूछ रहे हैं ये बात। तो स्ट्रक्चर हो चुका है, थोड़ा बहुत हुआ है, पूरा नहीं हुआ। सर्वे लगभग लगभग हो चुका है, सॉइल लगभग लगभग हो चुकी है, पूरी नहीं हुई है, थोड़ा बहुत रहता है यार, एक दो दिन का कंसेप्ट, तो लगभग लगभग हो चुका है, देख लेना। और अपना आरसीसी तो चल ही रहा है। सर मेरा आपसे सर्वे के वीडियो देखने में मजा आ गया और सर्वे की प्रॉब्लम मैंने वाईफाई पे भेजी है, सॉल्व करके बता देना। ठीक है, आई विल डी यार, इसकी बहुत डिमांड आ रही है, ये DFCCIL की, कल करता हूँ इसके बारे में कुछ। ठीक है, DFCCIL का कल करता हूँ कुछ ना कुछ, बहुत बच्चे इसके बारे में पूछते हैं। रोज क्लास नहीं होती इसलिए समझ नहीं आता है बस। यार देखिए, ये तो मतलब आपकी प्रॉब्लम का हल इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि ना क्लास भी आप लोगों पर डिपेंड करती है, रिस्पॉन्स आएगा तो क्लास होगी। ठीक है, तो अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं, मेरी पहली क्लास है, चलिए अच्छी बात है पहली क्लास है। तो सर मैं आपके सर्वे के वीडियो यार पढ़ लिए वाला, थैंक्स टू ऑल वाईफाई मेंबर एज वेल एज टू यू फॉर ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन, थैंक यू। मेडिजी से नहीं अब वाईफाई से टॉपर आएंगे, आप लोग एग्जाम क्लियर करिए, आप लोगों को पार्टी देना, आप लोगों के साथ पार्टी करना ये मेरी जिम्मेदारी है। आप लोग एग्जाम क्लियर करिए और हमें इन्फॉर्म करिए कि आप लोगों ने एग्जाम क्लियर करा, आप लोग देश के लिए इंजीनियर्स बन गए हैं, पार्टी हम आपको देंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पर हमारे पास आइएगा, मिठाई का डब्बा आप नहीं लाएंगे, हम मंगाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, बहुत देर होगी, बात करते हैं। सेकेंड केस जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा है, देखना अब जो बता रहा हूं वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। केस सेकंड का सेकंड पार्ट क्या कहता है, पहले मैंने कहा था कि 3/7 ऑफ XU जो है वो बड़ा है DF से, ये मैंने अभी अभी बताया है, लेकिन अब क्या कहता है कि ये 3/7 XU जो है ये छोटा है DF से। एक और कॉम्प्लिकेट आ गया, क्या आया इसके अंदर, ये मेरा टी बीम का एक फ्लेंज सेक्शन है, ये मेरा वेब सेक्शन है, यहां पर कहने का क्या मतलब है कि न्यूट्रल एक्सिस तो नीचे है, न्यूट्रल एक्सिस यहां पर लाई कर रहा है, बट जब मैं स्ट्रेस डायग्राम बनाने जा रहा था इसका तो हुआ क्या, यहां पर ये कांस्टेंट स्ट्रेस जो दिखा रहा है, ये कांस्टेंट स्ट्रेस यहां पर कहीं पर दिखा रहा है, यानी डीएफ में अब पूरा का पूरा कांस्टेंट स्ट्रेस नहीं लग रहा, डीएफ में अब कांस्टेंट स्ट्रेस नहीं लग रहा, अब वेरिएबल स्ट्रेस आ गया है। वेरिएबल कैसे आया है, ये है मेरा कांस्टेंट वाला हिस्सा और ये है मेरा पैराबोलिक वाला हिस्सा। यहां तक समझ आया, ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेट आ गया, लेकिन कॉम्प्लिकेसी के आगे ना आईएस कोड में जो हमारे इंजीनियर्स बैठे हैं, मतलब आईएस कोड बनाने वाले इंजीनियर्स बैठे हैं, वो कॉम्प्लिकेट कंडीशंस को सॉल्व करना जानते हैं और बड़ा अच्छा दिमाग लगाते हैं। एक्सपीरियंस बेस पर उन्होंने कहा कि यार इसको सॉल्व करना कुछ तो दिमाग लगाना बनता है, एनालिसिस जो है वो पहले वाली रखी, जो अभी केस कराया था ना बिल्कुल वही वाली एनालिसिस रखी, कुछ भी अलग नहीं करा, लेकिन एक छोटा सा दिमाग लगाया, क्यों ना मैं इसको अलग मान लूं, क्या माना कि जिस भी लेंथ के लिए ये कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है उसको उन्होंने अपनी तरफ से नाम दे दिया है, आईएस कोड में शायद इसको लिखा गया है YF, एक बार कंफर्म कर लेना मैं समझा रहा हूं, इसको नाम दे दिया है इन्होंने अपनी तरफ से YF। ठीक है, अभी बात आती है यार कि ये YF हो गया है, कांस्टेंट स्ट्रेस इस रीजन के अंदर लग रहा है, बाकी तो सेम ही है, बाकी क्या दिक्कत है, बाकी तो मैं आराम से कर ही सकता हूं। अब क्या करा इन्होंने कि इस सेक्शन को ना इन्होंने यहां तक तोड़ दिया, तोड़ा तो क्या बनाया, वही चीज बनाई कि दो सेक्शन बनाए ऐसे ऐसे, और ये जो सेक्शन है अब ये सेक्शन माना है जो मैंने, इसकी डेप्थ मानी अपनी तरफ से YF। ये सॉल्व करने का एक तरीका है, आईएस कोड ने कहा YF क्या है, YF वो डेप्थ है जिसके करस्पॉन्डिंग, जिसके अलोंग कॉन्स्टेंट स्ट्रेस लग रहा था। ठीक है, बस कर दो बिल्कुल पहले वाली की तरह सॉल्व, इसकी विड्थ BW है, इसकी विड्थ BF माइनस में BW हो जाएगी, C इज इक्वल्स टू T मुझे लगाना ही है, अब क्या करूंगा 0.36 FC के BW XU प्लस में 0.45
बी एफ माइनस में बी डब्ल्यू वाई एफ, ये हुआ टोटल कंप्रेशन। अगर टेंशन लिखनी हो तो टेंशन कितनी आ जाएगी 0.87 एफ वाई ए एस टी। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो रहा होगा पूरा का पूरा आप लोगों को। अभी एक और बात आती है जेंटलमैन यहां से कि अगर मेरे को मोमेंट निकालना हो तो क्या करूंगा। देखो ये इसका एक मेथड है, बिल्कुल सेम है, बस फर्क क्या हुआ था यहां पर कि उन्होंने इस चीज को एक डेप्थ अपनी तरफ से मान लिया जहां पर कॉन्स्टेंट स्ट्रेस लग रहा है, डीएफ की जगह अब उन्होंने वाईएफ निकाल दिया। बाद में प्रॉब्लम खड़ी हुई, यार ये वाईएफ की कोई तो वैल्यू होती होगी, अपनी तरफ से ऐसी थोड़ी है कि सेक्शन तोड़ दूंगा बीच में से, कोई तो वैल्यू होती है। एक्सपीरियंस बेस पर और जो बड़े बड़े धुरंधर बैठे थे इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, उन्होंने कहा इस वाईएफ की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0.15xu प्लस 0.85df। अब एक चीज समझ में आती है मुझे यहां से कि जिसने भी ये इलाज दिया ना, वो भी बड़ा शानदार बंदा था, उसने पूरा घुमा दिया चीज को। ध्यान से समझना यार, कॉम्प्लिकेट मत करना इस चीज को। आप क्या घुमाया, उसने कहा ये जो वाईएफ होता है ना, एक्चुअली में ये न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ पर डिपेंड करता है। उसने खुद ने एक वाईएफ जो है वो न्यूट्रल एक्सिस की टर्म्स में आंसर दे दिया और कहा कि अब जो भी न्यूट्रल एक्सिस आएगा ना, उसके करस्पॉन्डिंग में अपने वाईएफ को रखूंगा। ठीक है, तो उसने ये रिलेशन दे दिया है और न्यूट्रल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग एक रिलेशन दिया, और कुछ नहीं दिया। तो यहां से मैं एनालिसिस करके सॉल्व करूंगा इस सेक्शन को। अभी बात आती है कि मेरे को निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इस केस में कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखेंगे। सबसे मुश्किल केस है ये, इसलिए इसी का लगवा रहा हूं, भले वाले तो आप कर ही लोगे आराम से। देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इस केस में जो आप निकालोगे वो कैसे निकालोगे, 0.36 FC के BWXU इनटू में D माइनस में 0.42XU। यहां तक तो कॉमन सी बात है, किसका हुआ ये, इस सेक्शन का हुआ। इस सेक्शन का निकालने के लिए क्या करेंगे, प्लस 0.45 FC के BF माइनस में BW इनटू में YF। आई होप कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो। मल्टीप्लाई किससे करूंगा, D माइनस में वाई एफ बाई टू से। कैसे करा मैंने ये, समझते हैं थोड़ा सा। पहले वाली तो आसान चीज थी, दूसरे वाली में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आया। यहां तक तो मेरा हुआ टोटल का टोटल फोर्स, ठीक है, कंप्रेशन फोर्स। ये चीज कैसे लिखी, देखो आपको पता है कि अगर मैं ये सेक्शन बनाता हूं यहां पर, इसके इफेक्टिव डेप्थ जो है वो पूरी की पूरी डी है, और ये वो हिस्सा है वाई वाला। मेरे को पता है यार वाई वाला हिस्सा कांस्टेंट स्ट्रेस से होकर गुजर रहा है, और जब ये कांस्टेंट स्ट्रेस से होकर गुजरेगा तो मैं जेंटलमैन कह सकता हूं ना कि सेंटर जो इसका लाई करेगा वो इसके आधे पर करेगा। अगर ये पूरा वाई एफ है तो आधा क्या हो जाएगा, वाई एफ बाई टू। तो यानी ये वाला हिस्सा जो मेरा बचेगा इसके अबाउट मोमेंट लिया जाएगा, डी माइनस में वाई एफ बाई टू कर दिया मैंने यहां पर। आई होप क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्लियर हुआ है तो जल्दी से थम्सअप करके बता दो, आने वाले टाइम में एसएससी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सॉल्व करा देता हूं इससे रिलेटेड। जल्दी से थम्सअप करके मेरे को बता दीजिए जेंटलमैन, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आदर्श पाठक जी, पहले भी कहा है सिविल के मेंबर्स हैं यहां पर, नंबर मत शेयर करा करो वरना ये फोन नंबर से बहुत कुछ कर देते हैं। ठीक है, नंबर शेयर करना यहाँ पर बहुत घातक हो सकता है आपके लिए, मत करा करो शेयर। ठीक है सर, डिड यू गिव द पीडीएफ लिंक फॉर सर्वे, ना आई हैवंट एक्चुअली। मेरे को जेंटलमैन जल्दी से बता दीजिए यार कि कितना हुआ है। ये बच्चे कह रहे हैं 0.65 है, शायद से 0.65 ही होगा, 0.65 हो सकता है एक्चुअली। आईएएस कोड पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया तो इतनी गलती तो बनती है। ठीक है, तो 0.65 ही होगा, हो सकता है, थोड़ा बहुत देख लेना। क्लियर है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट हिंदी तो बोलना चाहिए थोड़ी बहुत। नेहा कुमारी जी, खुद तो आप मेरे को इंग्लिश में बोल रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे से कह रहे हैं हिंदी बोलना चाहिए। वैसे मैं हिंदी का प्रयोग, जितना मुझे हिंदी आती है उतना मैं कोशिश करता हूँ, फिर भी आजकल मैंने शुरू कर दिया है हिंदी की किताबें पढ़ना सिर्फ आप लोगों के लिए, तो थोड़े दिन में असर दिख जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, कर दिया मैंने वो 0.65 कर दिया। कुछ कुछ हुआ है सर जी, ये कमेंट्स वाले परेशान कर रहे हैं। हरियाणवी इंजीनियरिंग जी कह रहे हैं कि कमेंट्स वाले परेशान कर रहे हैं। हरियाणवी इंजीनियरिंग, इनको मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं कहूँगा आप कमेंट्स पढ़ो मत, पूरा स्क्रीन पे ध्यान दो। ठीक है, अजीत पाल, थोड़ा आया सर,
थोड़ा आया है यार, क्वेश्चन करेंगे, हो जाएगा, टेंशन मत लो। जीपीएससी तो बताओ क्या होता है ये जीपीएससी, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। सभी लोग एटलीस्ट वीडियो लाइक तो कर दिया करो। हाँ यार, वीडियो लाइक तो बनता है, आप लोग करते नहीं हो। खैर ठीक है सर, ठीक है सर, सर लेट हो गए, चलिए कोई बात नहीं, चलता है ये सब। हिंदी मातृभाषा है सर, बिल्कुल है, हिंदी इज आर मदर टंग। काफी सारा डाउट था तन्मय धारजी का, मेरे लेक्चर से उनका क्लियर हो गया है, एनर्जी देख के और ज्यादा जोश आता है, मैं यही चाहता हूं आप में जोश भरे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है यार, आप लोग जोश के साथ होश मत खोना, ठीक है, होश के साथ जोश को बरकरार रखना अपने, क्लियर है। गुजरात इंजीनियरिंग सर्विस, ठीक है, कल तो मैं DFCCIL का देखता हूँ क्योंकि बच्चे बहुत पूछते हैं उसके बारे में। सर अगर ये स्टेज पहले मिलता ना तो अब तक सारे एग्जाम क्लियर हो जाते, पूरी कोचिंग और कॉलेज में तो कंसेप्ट क्लियर हो नहीं रहे थे बस वो। कोई बात नहीं यार, अब रॉयल सिविल अकेडमी जिस दिन जागे उसी दिन सवेरा, मैं तो यही मानता हूँ, पिछले को मैं याद नहीं करता। काफ़ी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती है जो हम सोचते हैं काश ये पहले होता, फिर एक तरफ अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो पहले होता तो भी हो जाता, और अब है तो भी हो रहा है ना, पहले का टाइम निकल गया ना, तो जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा, मन छोटा मत किया करो, इक्का लुकास काम कर ले। क्या बोला, मजा आ गया। एई के लिए कल खत्म होगा RCC सर, अरे नहीं यार खत्म का होगा। सर प्लीज डाउट क्लियर कर दो, करते हैं जल्दी जल्दी करेंगे, टेंशन मत लो। सर डेली क्लास चाहिए, रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, डेली क्लास ऐसे नहीं हो पाएगी, मैंने पहले बोला 1000 तक आएंगे तो डेली हो जाएगी, ठीक है। सर रेलवे जेई की वैकेंसी कब तक आ सकती है, कुछ अंदाजा नहीं है सर, आई एम लेट, कोई बात नहीं। दीपिका खरारे आज तो बहुत लेट आई है, दीपिका खरारे लेट आई है, मैं देख रहा हूं और मैं देख भी रहा था, पहले नहीं आई थी। चलिए क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, SSC JEE का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, जो रिटर्न वाले क्वेश्चन है ना प्रिंट वाले वो नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा, अभी सिर्फ पढ़ के ही काम चला रहा हूं, ठीक है। SSC JEE में आया हुआ क्वेश्चन है सब्जेक्टिव पार्ट का, देख लेना कैसे आता है, ठीक है। यूजिंग लिमिट स्टेट मेथड डिटरमिन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द टी बीम, क्या बोल रहा है कि लिमिट स्टेट मेथड को यूज करके आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है टी बीम का। इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ जो मेरे को दे रखी है वो 700 mm गिवन है, इफेक्टिव डेप्थ मुझे दे रखी है 600 mm, विड्थ मुझे दे रखी है यहां पर वेब की 240 mm, द बीम इज प्रोवाइडेड विद 3 bars ऑफ 16 mm डाया, ऐसा मेरे को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। आगे मुझे कह रहा है थिकनेस ऑफ द फ्लेंज जो है वो 90 mm है, और आपको यूज करना है M15 Fe 415, ये चीजें आपको करनी है। जेंटलमैन करेंगे कैसे, मैं समझाता हूं, कोशिश करना आप लोग, फिर सॉल्व आप लोग करेंगे। तो क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा, एक बारी दोबारा बता देता हूं। सर ये पीछे बंदे आवाज निकाल रहे आपकी, कौन निकाल रहे यार, मैं ही बोल रहा हूं यहां पर सब कुछ। चलिए करते हैं, क्या कह रहा है कि LSM मेथड से आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है टी बीम का, जिसके अंदर इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लेंज गिवन है, इफेक्टिव डेप्थ गिवन है, विड्थ ऑफ द वेब गिवन है, 3 bars 16 mm के आप लोगों ने दिए हैं, उसके बाद जो है ये इफेक्टिव सॉरी डेप्थ ऑफ द फ्लेंज जो है वो 90 mm है। उसके बाद कहता है कि M15 और Fe 415 आप लोग यूज करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहला केस, पहला स्टेप जो होगा आप लोगों का वो क्या होगा, वो होगा यहां पर जेंटलमैन आपको चेक करना है कि XU कैसे निकालते हैं, पता है आप लोगों को, बता देंगे, पहला स्टेप देखते हैं, XU जो है वो लेस देन DF है या फिर XU जो है वो ग्रेटर देन DF है, ये चेक करना है। उसके बाद अगर 3/7 XU जो है वो ग्रेटर देन DF है या फिर 3/7 XU जो है वो लेस देन DF है, अगर ये कंडीशन मेरी आती है तो बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है, ये तो हो गया मेरा चेक। चेक होने के बाद तो यार फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला लगाने के बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, एंड आई होप समझ आ गया होगा, जल्दी से करके दिखाइए, मैं करना स्टार्ट कर रहा हूं।
टाइम हो गया है तेरा, ये क्वेश्चन होगा इतने टाइम भी हो जाएगा, जल्दी से करिए आप लोग सॉल्व करिए, मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं इसको। बात आती है कि एफ सी के कैसे निकालते हैं, सॉरी एक्स यू। देखिए मैं मान के चल रहा हूं, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं शुरू में कि मेरा एक्स यू जो है वो लेस देन डी एफ है। जब एक्स यू लेस देन डी एफ होगा तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, 0.36 एफ सी के बी एक्स यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई एस जी। मैंने ऐसा माना अपनी तरफ से, देखो आसान चीज ही मान के चलता हूं, अगर आसान तुक्का फिट हो गया तो मुश्किल किस लिए करनी, ये हमारा रूल होता है। तो माना अपनी तरफ से कि एक्स यू जो है वो डी एफ से छोटा है। अब इस केस में मैं लगाता था ना नॉर्मल एक सेक्शन की तरह उसको डिजाइन करता था, मैंने बताया था कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन रखना है। कंप्रेशन कितना होता है टोटल 0.36 एफ सी के बी एक्स यू 0.87 एफ वाई ए एस टी। मैं यहां से एक्स यू निकाल सकता हूं, कितना आ जाएगा 0.87 एफ वाई ए एस टी बाय 0.36 एफ सी के इंटू बी। ये बी क्या है, बी इफेक्टिव है फ्लेंज का, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आपका एक्स यू आएगा वो कितना आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक्स यू की वैल्यू जो मेरी आएगी 57.61 एमएम आ रही है। मैं एक चीज तो जानता हूं, मैंने माना क्या था शुरू में, मैंने अपनी तरफ से माना था कि एक्स यू जो है वो डी एफ से छोटा ही है, और मैंने सॉल्व करा तो सॉल्व करने के बाद भी ये मेरा छोटा ही आ रहा है। मैं देख सकता हूं इट इज लेस देन 90 एमएम। तो जब छोटा है तो यानी मेरी मानी हुई, मेरी तुक्के भिड़ाई हुई चीजें जो है वो ठीक निकल गई है, बड़ा ही आसान सी चीज थी। अब मेरे को क्या करना है, यहां पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का एक छोटा सा तरीका मैं जानता हूं। आपको पहले चेक करना पड़ेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए कि सेक्शन जो है वो अंडर रीइंफोर्स है, ओवर रीइंफोर्स है या बैलेंस है, ये भी तो चेक करना पड़ता है। मैंने बोला था नॉर्मल सेक्शन की तरह आप लोग डिजाइन करेंगे, अब ये कैसे चेक होगा। आपको पता है इन सारी कंडीशंस के लिए एक्सयू लिमिटेड निकाला जाता है, और एक्सयू लिमिटेड के लिए एफई 415 के लिए मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, 0.48 इंटू में डी के बराबर होता है। डी कितना है मेरा यहां पर, मैं जानता हूं ये मेरा 600 है, सॉल्व कर लूंगा, सॉल्व करने के बाद जो मेरी वैल्यू आ रही है एक्सयू लिमिटेड की 288 आ रही है, ये है एक्सयू लिमिटेड। एक चीज तो बड़े आराम से जानता हूं यहां पर कि एक्सयू लिमिटेड जो है वो एक्सयू से बड़ा है। तो इस सेक्शन को मैं क्या कहता था, ये सेक्शन मेरा होता था अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन मेरा बन चुका है। और अंडर रीइंफोर्स सेक्शन के केस में कौन सा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता था मेरा, मेरे को पता है, यहां पर लिख देता हूं जल्दी से, यहां पर मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आता था वो होता था 0.87 एफ वाई ए एस टी डी माइनस में 0.42 एक्स यू। आई होप जेंटलमैन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स यू कौन सा होता था, ये एक्स यू मेरा होता था जो मैंने कैलकुलेटेड करा है। तो यहां से फॉर्मूले में पुट करिए और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका आ गया है। बड़ा आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यहां पर उल्टा हो जाता क्या होता, कि ये एक्स यू जो है अब ये बड़ा आ रहा है, तो बड़ा आ रहा है तो भी क्या करोगे आप, तो फिर इन दोनों कंडीशंस पर आ जाना। अपनी तरफ से एज्यूम करनी है ये सारी चीजें आपको, पहले इसको चेक करना है एज्यूम करके, अगर फिट होती है तो वो ठीक है, अगर नहीं होती फिर उसके बाद वाली कंडीशन पर आ जाना, ये तो होगी ही होगी, एक ना एक कंडीशन तो होगी ही होगी, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ये फ्लेंज सेक्शन का पूरा एनालिसिस है। टाइम कम बचा है थोड़ा सा, तो अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, गेट के क्वेश्चंस तो मैं आप लोगों के लिए लाया हुई हूं, गेट के क्वेश्चन लाया ही हूं, वो सॉल्व भी करेंगे हम लोग जितने हो पाएंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जेंटलमैन, यहां पर कि डिजाइन ऑफ बीम्स जो है 15 मिनट लगेंगे मुश्किल से, डिजाइन ऑफ बीम्स शुरू कर लेंगे, डिजाइन ऑफ बीम्स करने से पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 18 हो चुके हैं, मिलते हैं यहां पर 30 से 35 के बीच में मैं आ जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ जाना, गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। गेट के क्वेश्चन के साथ डिजाइन ऑफ बीम भी बताने वाला हूं मैं आप लोगों को, डिजाइन ऑफ बीम अच्छा टॉपिक है, समझ आएगा आप लोगों के, ठीक है। तो चलिए चलते हैं
शुक्रिया आपका मेरे साथ बनने के लिए। जाना नहीं है, 30 से 35 के बीच में मैं आ जाऊंगा। बच्चे आ जाना यहाँ पर, ठीक है, आ जाना यार, टाइम वेस्ट मत कराना। मैं टाइम इस बारी वेट नहीं करूंगा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। डिजाइन ऑफ बीम्स जो है मैं करवा दूंगा, क्योंकि टाइम कम बचता है हमारे पास, ठीक है। चलिए बाय, सभी का धन्यवाद, जय हिंद।